नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा शानदार बिजनेस और एक ऐसी शानदार मशीन लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, एक शानदार बिजनेस के साथ में एक यूनिक मशीन। दोस्तों, यह मशीन है जो लो इन्वेस्टमेंट वाली मशीन है। दोस्तों, इस बिजनेस को आप आसानी से घर बैठे बैठे किसी कोने में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के लिए बहुत ही खास बात ये है कि आपको कोई बड़ी जगह लेने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों, जो मैं मशीन आज लेकर आया हूँ, यह मशीन है जो इसकी डिमांड इतनी है कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपका ये बिजनेस है जो सालों साल तक आसानी से चल सकता है। चलो दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मशीन किस प्रकार से कार्य करती है और कितना माल तैयार करती है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नया आया है वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पास में ही घंटी का बटन दे रखा है, उसे प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आया हूँ पंजाब इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ पंजाब इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में आया हूँ। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी यूनिक मशीन और एक यूनिक बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है स्टेनलेस आटा चक्की मशीन। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टेनलेस आटा चक्की मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मशीन किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से ये माल को निकालती है। दोस्तों, अब हम इस मशीन की बात करते हैं तो यह मशीन गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार आदि को पीसने में बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों, मैं आपको इस मशीन की कुछ खास बात बताता हूँ। यह मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करती है और इस मशीन से कुछ अच्छा ही प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, यह मशीन है जो सिंगल फेज की बिजली पर आधारित होती है, इसलिए दोस्तों आप इस मशीन को आसानी से घर के किसी भी कमरे में चला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें दो प्रकार की मशीनें आती हैं। एक तो मशीन होती है जो SS2HP की और दूसरी मशीन होती है जो SS3HP का मॉडल आता है। और दोस्तों, 3HP में आप आसानी से हल्दी, धनिया पाउडर होता है जो आसानी से आप उसमें पीस सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कई प्रकार की अलग अलग तरह की मशीनें आपको बताई जा रही हैं। दोस्तों, इस मशीन के साथ में कई चीज़ें आपको दी जाती हैं, साथ साथ में आपको बुकलेट भी दी जाती है जिससे कि आप इस मशीन को किस प्रकार से स्टार्ट करना है और किस प्रकार से चलाना है वो आपको बताया जाता है। और साथ में मशीन के साथ में मशीन स्टार्टर, ब्रश, जाली, कपड़ा सब कुछ आपको इसके साथ में दिया जाता है। और दोस्तों, बहुत ही खास बात ये है कि इसके साथ में आपको ड्रम भी उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, इस मशीन के साथ में आपको 7 प्रकार की अलग अलग जालियाँ दी जाती हैं जो कि छोटी बड़ी सभी, और आपको इस वीडियो में वो जालियाँ बताई गई हैं। दोस्तों, यह मशीन डबल चैम्बर मशीन है। इसके आगे की जो प्लम्बर होता है वो 10 इंच का होता है तथा पीछे का जो प्लम्बर होता है वो 5.5 इंच का होता है। दोस्तों, अब आपको इस बिजनेस को किस प्रकार से स्टार्ट करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको अपने गांव में या शहर में हो तो शहर में सब लोगों को बोल देना है कि हम हमारे घर पर गेहूँ, हल्दी, धनिया, ज्वार सभी पीसते हैं, तो सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा और सभी फिर आपके यहाँ पर ही पिसवाने के लिए आएंगे। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल के लोग होते हैं जो उनको शुद्ध खाना पसंद करते हैं और साथ साथ में स्वदेशी खाना भी पसंद करते हैं, तो सभी लोग होंगे जो आपके यहाँ पर ही इस गेहूँ, धनिया वगैरह को पिसवाने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसके मशीन के प्रोडक्शन या कैपेसिटी की बात करूं तो यह मशीन 1 घंटे में लगभग 30 से 35 किलो धान आसानी से पीस लेती हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि यह बिजनेस किस प्रकार का होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कंपनी के नंबर दिए हैं जिससे आप बात कर इस मशीन को आसानी से खरीद सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहूँगा कि अगर इस मशीन के बारे में या अगर आप कोई भी
किसी भी बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप पंजाब इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से आप आसानी से फ्री में सभी ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलो दोस्तों, हम इसी प्रकार से आगे के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।